क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए अमेरिका में है और उसके बाद भारत के दूसरे दौर के मैच वेस्टइंडीज के मैदान में होंगे, लेकिन वहां इस बीच जो वर्ल्ड कप चल रहा है तो यहां भारत में कोचिंग के लिए नई रेस शुरू हो गई। जी हां, गौतम गंभीर के नाम पर फाइनली बात नहीं बन पा रही है, इफ एंड बट नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गौतम गंभीर के अलावा तीन नए नाम, जी हां, तीनों नए भारतीय दिग्गज एक बार फिर से टीम इंडिया की कोचिंग की रेस में आ गए। एक बार फिर से रेस दिलचस्प और चौथा नाम इस पर सबसे आगे नजर आ रहा है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको कौन कौन है नाम, क्या होने वाला आगे, सब कुछ बताएंगे और कोचिंग में कौन मारेगा बाजी सब बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि आपकी नजर में कौन होना चाहिए टीम इंडिया का अगला कोच, कमेंट जरूर करें। तो गौतम गंभीर के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी थी। माना यह जा रहा था कि गौतम गंभीर वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के हेड कोच होंगे, टीम इंडिया के हेड कोच की कैप उनके सर पर होगी, लेकिन अब उनके नाम पर ट्विस्ट आ गया। जी हां, कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो गौतम गंभीर को भारतीय टीम का कोच नहीं बनने देना चाहते हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इसीलिए गौतम गंभीर के नाम पर इफ एंड बट शुरू हो गया। हालांकि अभी भी गौतम गंभीर रेस में बने हुए हैं, गौतम गंभीर पहले नाम है जिनके नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन गौतम गंभीर के नाम पर शक और सवाल शुरू हो गए, इसीलिए कुछ और नाम भी आ गए। अब गौतम गंभीर के अलावा कौन वो नाम है वो आपको बताते हैं। पहला नाम है संजय मांजरेकर। जी हां, दिग्गज कमेंटेटर और क्रिकेट एनालिस्ट संजय मांजरेकर भी टीम इंडिया की कोचिंग की रेस में आ गए, क्योंकि संजय मांजरेकर से पहले रवि शास्त्री उनकी तरह जो कमेंट्री करते हैं वो भी टीम इंडिया के कोच रह चुके हैं, तो इसीलिए संजय मांजरेकर का नाम भी फिलहाल यहां कोचिंग की लिस्ट में आ रहा है। हालांकि मांजरेकर ने खुद कहा है कि उन्होंने आज तक कभी कोचिंग नहीं की है, लिहाजा उनके लिए कोचिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है और क्रिकेट एनालिस्ट बनना थोड़ा सा आसान, लेकिन हां संजय मांजरेकर रेस में आ गए। इस लिस्ट में तीसरे नाम है सौरव गांगुली। जी हां, सौरव गांगुली ने खुद कहा है कि वो टीम इंडिया का कोच बनकर खुश होंगे। जी हां, वो चाहेंगे, उन्हें खुशी होगी, वो इस बात को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे अगर उन्हें टीम इंडिया का अगला हेड कोच बनाया जाता है। जी हां, बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके, भारतीय टीम के कप्तान रह चुके गांगुली अब टीम इंडिया की कोचिंग की रेस में आ गए हैं। सौरव गांगुली ने खुद इसको लेकर दिलचस्पी जताई है और माना जा रहा है कि खुद सौरव गांगुली अगर इसको लेकर दिलचस्पी आगे भी दिखाते हैं तो वो भी एक मजबूत दावेदार हो सकते हैं। सौरव गांगुली को भारत का अगला हेड कोच बनाया जा सकता है, जो कि राहुल द्रविड़ के बाद बिल्कुल परफेक्ट फैसला भी हो सकता है, क्योंकि गांगुली दिल्ली कैपिटल्स की टीम को भी मेंटरशिप करते हैं और इसीलिए उनके पास कोचिंग का भी अनुभव है और वो एक अच्छे कोच साबित हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए गांगुली को पहले अप्लाई करना होगा, अब उन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया ये अलग बात है, लेकिन हां गांगुली रेस में शामिल हो गए। चौथा नाम भी इस लिस्ट में आ गया है। जी हां, अब तक सिर्फ यही नाम बताए जा रहे थे या कहे जा रहे थे कि, लेकिन अब इस बीच वीवीएस लक्ष्मण का नाम एक बार फिर से इस लिस्ट में सामने आने लगा। वीवीएस लक्ष्मण भी इस रेस में आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। जी हां, चौथा नाम लक्ष्मण का ही है और चौथा नाम होने के बावजूद रेस में सबसे आगे वीवीएस लक्ष्मण ही निकलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण फिलहाल एनसीए बेंगलुरु के हेड हैं और उनसे कहा जा सकता है कि वो टीम इंडिया को कोचिंग करें, हेड कोच करें और कुछ दिन के लिए सही, लेकिन लक्ष्मण को यहां पर कोच बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर गौतम गंभीर के नाम पर मोहर नहीं लग पाती है, फाइनली सौरव गांगुली भी नहीं बनते हैं, तो फाइनली लक्ष्मण के नाम पर मोहर लग सकती है। और इसके अलावा दीपदास गुप्ता के नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं कि दीपदास गुप्ता भी टीम इंडिया के अगले हेड कोच के लिए आवेदन कर चुके हैं और उनके नाम पर भी बताया जा रहा है कि चर्चाएं चल रही है। हालांकि फिलहाल तो रेस में चार ही नाम है, गौतम गंभीर पहले नाम है, दूसरे नाम संजय मांजरेकर है, तीसरे नाम सौरव गांगुली है और चौथे नाम वीवीएस लक्ष्मण है, जो कि रेस में फिलहाल अब एक बार फिर से सबसे आगे आ गए, क्योंकि गंभीर के नाम पर कई खिलाड़ी सहमत नहीं है। तो आपका क्या मानना है, इन दिग्गजों में से किसे होना चाहिए टीम इंडिया का अगला हेड कोच आपकी नजर में, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो भारत के गेंदबाजों ने पहले शानदार खेल दिखाया, 100 रन से पहले आयरलैंड को ढेर कर दिया, तो उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया, मैच को एक तरफा अंदाज में जीत लिया। अब मैच तो जीत गए, मगर मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा बेहद ज्यादा नाराज हो गए और इसकी नाराजगी की वजह थी न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी मैदान की पिच। जी हां, ये पिच नहीं बल्कि मौत का सामान बन चुकी है, क्योंकि इस पिच में कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। पिच पूरी तरह से असमान उछाल से भरी हुई है, कभी बहुत ज्यादा बॉल उछलती है तो कभी बॉल पिच होने के बाद बेहद नीचे रह जाती है, और ऐसे असमान बाउंस के चलते इस मैच में रोहित शर्मा बुरी तरह से घायल हो गए। एक बॉल सीधे आकर रोहित के बाइसेप्स पर लगी और जोशुआ लिटिल की ये बॉल इतनी तेज थी, इतनी ज्यादा दिक्कत इससे हुई कि रोहित को मैदान छोड़ना पड़ा। रोहित रिटायर हर्ट हो गए, जबकि रोहित ने कुछ देर खेलने की भी कोशिश की लेकिन दर्द उनसे संभला नहीं तो रोहित रिटायर हर्ट हो गए।
इतने नहीं, ऋषभ पंत भी जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो पंत की कोहनी पर एक बॉल लगी और ऋषभ पंत भी दर्द के मारे करा उठे, और ये भी पिच की ही करामात थी क्योंकि अचानक इतनी ज्यादा बॉल उछलेगी इसका अंदाजा किसी को नहीं था। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि आयरलैंड के भी कई खिलाड़ी इस मैच में चोटिल हो गए और पिच की वजह से वहां पर खेलना मौत को दावत देने जैसा था, क्योंकि कोई भी एक बॉल गलत जगह पर लग जाती तो फिर पूरा ही काम तमाम हो सकता था। अब इसी से नाराज होकर मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम को लेकर मैच रेफरी डेविड बून के पास पहुंच गए और पिच की शिकायत कर दी। और बड़ी बात यह है कि भारत को इसी मैदान में इसी पिच पर पाकिस्तान के साथ भी मुकाबला खेलना है, रोहित ने वही पाकिस्तान वाला मैच खेलने से इनकार कर दिया। जी हां, रोहित शर्मा ने कहा कि पहले पिच को ठीक करो और उसके बाद ही मुकाबला होगा, नहीं तो पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं होगा। यानी कि रोहित शर्मा ने सीधी सीधी धमकी आईसीसी को दे दी, आईसीसी के मैच रेफरी को दे दी कि पिच को ठीक करो, नहीं तो आगे ऐसी पिच में मुकाबले बिल्कुल नहीं होंगे। अब 9 जून को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना है, इसी मैदान में इसी पिच पर होना है, लिहाजा चिंता जायज है क्योंकि वहां पर भारत का कोई भी बड़ा खिलाड़ी चोटिल हो गया तो फिर मैच में लेने के देने पड़ सकते हैं। इसीलिए रोहित शर्मा ने तुरंत ही पिच को ठीक करने को कहा। रोहित शर्मा ने आईसीसी की तरफ से खेले जा रहे इस मौत के खेल पर बेहद ज्यादा नाराजगी जताई। रोहित ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऐसी कमजोर ऐसी खतरनाक पिच नहीं होनी चाहिए, खिलाड़ियों का करियर यहां तक कि उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो सकती है। असल में एक ड्रॉप इन पिच है, यानी कि पिच को ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया और फिर पिच को पानी के जहाज से लाकर न्यूयॉर्क में सेट किया गया। अब इस पिच पर घास भी है और बड़ी बड़ी दरारें भी है, लिहाजा कभी बॉल उछलती है कभी नीचे रह जाती है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि रोहित की शिकायत और नाराजगी के बाद पिच को कुछ बेहतर किया जाएगा, कुछ घास कम की जाएगी और कुछ पिच को रोल भी किया जाएगा ताकि पिच कुछ तो बेहतर हो सके, क्योंकि पूरी पिच ठीक हो पाएगी ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, रोहित शर्मा टीम इंडिया की नाराजगी के बाद कुछ ठीक होने की संभावना है और रोहित ने वैसे भी कह दिया कि पिच ठीक नहीं होगी तो मैच नहीं खेलेंगे और आईसीसी भी जानता है कि भारत और पाकिस्तान के मैच की क्या अहमियत है, लिहाजा पिच भी ठीक होगी मैच भी जरूर होगा। तो आपका इस पिच पर क्या कहना है, रोहित की नाराजगी पर आपका क्या कहना है, क्या वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में ऐसी पिच का होना खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ नहीं है? कमेंट करके आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।